हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट वाला। तो दोस्तों, मेरे पास है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डीसी मोटर। दोस्तों, आज हम इन सभी डीसी मोटर का डिटेल में नॉलेज देने वाले हैं कि कौन सा डीसी मोटर क्या काम करता है, कौन से डीसी मोटर से क्या बना सकते हो और कौन सा डीसी मोटर का कितना कितना प्राइस है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डब्बा से सभी मोटर को बाहर निकाल लेंगे। तो पहला नंबर पे आता है ये मोटर। ये मोटर 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है और इस मोटर का स्पीड भी काफी ज्यादा होता है। तो आइए टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस मोटर का आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मोटर का स्पीड कितना है। दोस्तों, इस मोटर से आप 3 चीज बना सकते हो। पहला, छोटा सा वाटर पंप, मिनी टेबल फैन और मिनी आरसी कार। दोस्तों, इस मोटर का प्राइस 15 रुपया है। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है ये मोटर। ये मोटर 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है और इस मोटर का स्पीड इस मोटर से थोड़ा सा कम होता है। इस मोटर की खास बात यह है कि इस मोटर के शाफ्ट को घुमाने पर बिजली बनाता है। दोस्तों, हमने इस मोटर को शाफ्ट को पेन लगा के यहाँ पे बड़ा कर दिया है ताकि इसको घुमाने में आसानी होगा। अब इस मोटर के प्लस माइनस में एक ठो LED कनेक्ट कर देंगे और इसका टेस्टिंग करेंगे कि ये बिजली बनाता है कि नहीं। इसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस में। दोस्तों, अब जब मैं इस मोटर के शाफ्ट को घुमाऊंगा तो ये LED ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं इस मोटर के शाफ्ट को घुमा रहा हूँ, ये LED ग्लो होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, इस मोटर से आप 3 चीज बना सकते हो। पहला, विंड टरबाइन, दूसरा, छोटा सा वाटर पंप और तीसरा, मिनी RC कार। दोस्तों, इस मोटर का दाम 25 रुपया है। दोस्तों, तीसरा नंबर पर आता है ये मोटर। ये मोटर 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है और इस मोटर का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मोटर इस मोटर से 2 गुना बड़ा है और इस मोटर के शाफ्ट को घुमाने पर बिजली बनाता है। तो आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो हमने LED को मोटर के प्लस माइनस में कनेक्ट कर दिया है। अब हम जैसे ही इस मोटर के शाफ्ट को घुमाएंगे, ये LED ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं इस मोटर के शाफ्ट को घुमा रहा हूँ, ये LED ग्लो हो रहा है। दोस्तों, इस मोटर से आप 4 चीज बना सकते हो। पहला, वाटर पंप, दूसरा, टेबल फैन, तीसरा, RC का और चौथा, विंड टरबाइन। दोस्तों, इस मोटर का दाम 40 रुपया है। दोस्तों, चौथा नंबर पर आता है ये मोटर। इस मोटर का नाम है गियर मोटर। दोस्तों, इस मोटर के अंदर में यहाँ पे गियर लगा हुआ है जिसके कारण इस मोटर का RPM बहुत ही कम है। दोस्तों, ये मोटर और ये मोटर सेम मोटर है। इस मोटर में गियर लगा होने के कारण इसका RPM बहुत ही कम है और इस मोटर में गियर नहीं लगा हुआ है जिसके कारण इस मोटर का RPM बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, इस मोटर को चलाने पर इस मोटर के शाफ्ट को आप पकड़ के नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप इस मोटर के शाफ्ट को पकड़ के रोक सकते हो क्योंकि इस मोटर के अंदर यहाँ पे गियर लगा हुआ है जिसके कारण इसका टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, इस मोटर से आप 2 चीज़ बना सकते हो। पहला, RC कार, दूसरा, रोबोट। दोस्तों, इस मोटर का दाम 90 रुपया है। चौथा नंबर पर आता है ये मोटर। दोस्तों, ये मोटर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है और इस मोटर के शाफ्ट को घुमाने पर बिजली बनता है। दोस्तों, इस मोटर की खास बात यह है कि ये मोटर के शाफ्ट को बहुत ही कम ही RPM में घुमाने पर यह मोटर ज़्यादा बिजली बनाता है। तो आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। इसका टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक तो LED को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, हमने एक 4 वोल्ट के LED को मोटर के प्लस माइनस में कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस मोटर के शाफ्ट को घुमाएंगे, ये LED ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं इस मोटर के शाफ्ट को घुमा रहा हूँ, ये LED ग्लो हो रहा है। और दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि इस मोटर के बहुत लो RPM में घुमाने पर भी ये बहुत अच्छा बिजली बनाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं बहुत ही कम RPM में घुमा रहा हूँ और ये कितना स्पीड ये LED ग्लो हो रहा है। दोस्तों, इस मोटर से
आप दो चीज बना सकते हो, पहला छोटा सा जनरेटर, दूसरा विंड मिल। दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि इस मोटर से वाटर पंप, टेबल फैन या आरसी कार बनाएंगे, तो यदि आप इस मोटर से वाटर पंप बनाते हैं तो इस मोटर का आरपीएम कम होने के कारण ये पानी को ऊपर की ओर नहीं फेंक सकता है। और यदि आप इस मोटर से एयर फैन बनाना चाहते हैं या टेबल फैन बनाना चाहते हैं तो ये भी हवा ज़्यादा स्पीड नहीं देगा क्योंकि इस मोटर का आरपीएम बहुत ही कम है। तो दोस्तों इस मोटर से आप दो ही चीज़ बना सकते हो, पहला विंडमिल और दूसरा छोटा सा जनरेटर। दोस्तों इस मोटर का प्राइस 120 रुपया है। दोस्तों छठा नंबर पे आता है ये मोटर। ये मोटर 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट में चलना स्टार्ट होता है। इस मोटर का आरपीएम बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये मोटर हाई स्पीड वाला मोटर है। दोस्तों इस मोटर से आप दो चीज़ बना सकते हो, पहला वाटर पंप, दूसरा एयर फैन। क्योंकि यदि आप वाटर पंप या एयर फैन भी बनाते हैं तो इस मोटर का आरपीएम बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हवा भी देगा, और यदि आप वाटर पंप भी बनाते हैं तो ये पानी को बहुत ही स्पीड से ऊपर की ओर फेंकेगा। दोस्तों इस मोटर का दाम 80 रुपया है। दोस्तों सातवां नंबर पर आता है ये मोटर। दोस्तों ये मोटर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है, और इस मोटर के शाफ्ट को घुमाने पर बहुत ही कम आरपीएम में बहुत ही ज़्यादा बिजली बनाता है क्योंकि ये मोटर डायनेमो मोटर है। तो दोस्तों हम इस मोटर के प्लस माइनस में इस 4 वोल्ट के एलईडी को कनेक्ट कर देंगे, और आइए इसका टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये मोटर बहुत लो आरपीएम में इस एलईडी को जला पाता है या नहीं। हमने इस एलईडी को मोटर के प्लस माइनस में कनेक्ट कर दिया है, और हम इस मोटर के शाफ्ट को बहुत ही लो आरपीएम में घुमाएंगे और देखेंगे कि ये एलईडी जल पाता है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम इस मोटर को हाथ से बहुत ही धीरे घुमा रहे हैं और ये बहुत ही स्पीड से रोशनी कर रहा है। दोस्तों अगर आप इस मोटर को ड्रिल मशीन की सहायता से फुल स्पीड में घुमाएंगे तो ये मोटर 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक बिजली बनाता है। दोस्तों इस मोटर का दाम 120 रुपया है। आठवां नंबर पे आता है ये मोटर। ये मोटर सभी मोटर से अलग है क्योंकि इस मोटर में 3 फेज वायर है, और इस मोटर के शाफ्ट को घुमाने पर 220 वोल्ट एसी करंट बनाता है। इस मोटर की खास बात यह है कि इस मोटर में वायरिंग लगा हुआ है जिसके कारण इस मोटर का शाफ्ट बहुत ही स्मूथ घूमता है। अगर आप इस मोटर के शाफ्ट को ड्रिल मशीन की सहायता से फुल स्पीड में घुमाएंगे तो ये मोटर 220 वोल्ट एसी करंट देगा, और जो आपके घर में 100 वाट का बल्ब आता है उस बल्ब को भी बहुत ही आसानी से जला देगा। इस मोटर का दाम 400 रुपया है, और इस मोटर से आप दो चीज बना सकते हो, पहला विंड मिल और दूसरा 220 वोल्ट एसी जनरेटर। नौवां नंबर पे आता है ये मोटर। ये मोटर 775 डीसी मोटर है। ये मोटर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक में चलना स्टार्ट होता है। ये मोटर डीसी मोटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस मोटर से आप चार चीज़ बना सकते हो, पहला वाटर पंप, दूसरा टेबल फैन, तीसरा कटर मशीन, और चौथा। दसवां नंबर पे आता है ये मोटर। ये मोटर कॉर्डलेस मोटर है। ये मोटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये मोटर ड्रोन मोटर है। तो आइए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो इसको बैटरी के प्लस माइनस में कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस मोटर का आवाज़ सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मोटर का रफ्तार कितना है। दोस्तों यदि हम इस मोटर को छोड़ देंगे तो ये मोटर उड़ जाएगा। दोस्तों इस मोटर से आप दो चीज़ बना सकते हो, पहला छोटा सा हेलीकॉप्टर, दूसरा छोटा सा एरोप्लेन। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपके मन में डीसी मोटर से संबंधित ऐसा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।